साथियों, इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में झारखंड के किसी युवा नेता को बुलाया गया, वो भी ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं, स्पीच देने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि किस तरह से जो है युवा आगे आकर के नेतृत्व करे, देश के पॉलिटिक्स में भाग ले और समाज और देश के कल्याण में अपना भागीदारी निभाए। ऐसे तो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जो है ट्रेनिंग देता है यंग जो है लड़के लड़कियों को, ताकि वो लोग जो है पॉलिटिक्स में आए। लेकिन टाइगर जयराम महतो वो साथियों जिसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली पॉलिटिक्स के, उसे समय ने बनाया लीडर, उसे आज की जो मांग है, आज के लोगों की तकलीफ को देखकर, झारखंड के हक और अधिकार जिस तरह यहाँ के लोगों का हक और अधिकार जैसे बाहरियों को दिया जाने लगा, यहाँ के युवाओं की बेरोजगारी को देखकर, यहाँ के लोगों की ज़मीनों की लूट को देखकर, यहाँ के लोगों के हक और अधिकार जब छीने जाने लगे, तो उनके अंदर का जो लीडर है, जो उन्हें अपने पिताश्री से जो है मिला है, उनके पिताश्री भी जो है झारखंड के आंदोलनकारी थे, झारखंड अलग राज्य बने, झारखंडियों को उनका हक और अधिकार मिले, इसके लिए उनके पिताजी भी लड़े थे। और आज उनका पुत्र टाइगर जयराम महतो जिस तरह से लोगों का जो है पसंदीदा, लोगों का लीडर, लोगों का मसीहा बनकर उभरे हैं, झारखंडियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए जिस तरह से जो है आगे आए, अपना जी जान जो है सब कुछ कुर्बान करने के लिए, झारखंडियों के हित के लिए जिस तरह से वो आए, लोगों का भारी समर्थन उन्हें मिलने लगा। और इस बार के गिरिडीह लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जाता है कि वो भारी मतों से विजय होने वाले हैं। और यही सब देख करके अब जो है सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के कोने कोने में उनके नाम की गूंज होने लगी है, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, उनके नाम की गूंज हो रही है। और अब जो है इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया ताकि वो आए और जो है लोगों को संदेश दे, लोगों को प्रेरित करे कि किस तरह से वो, कि किस तरह से आज के युवा वर्ग जो है पॉलिटिक्स में आए और अपने समाज, अपने देश का कल्याण में भागीदारी निभाए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।